और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आया, जहां पर अमित शाह लेंगे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा प्रदेश कार्यालय में लेंगे बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश और प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा रहेंगे मौजूद। संगठन महामंत्री हितानंद सहित कोर ग्रुप के सदस्य भी होंगे शामिल। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी कोर ग्रुप कमेटी की बैठक लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा प्रदेश कार्यालय में यह बैठक लेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर आज अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंचेंगे, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री शाह भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक लेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा रहेंगे मौजूद। संगठन महामंत्री हितानंद सहित कई कोर ग्रुप के सदस्य भी शामिल होंगे। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर आज राजधानी भोपाल पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। संगठन महामंत्री हितानंद सहित कोर ग्रुप के कई मेंबर्स जो है इस बैठक में शामिल होंगे। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर स्ट्रेटजी बनाएंगे, मंथन करेंगे। आज राजधानी भोपाल पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर वह बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री जब यहाँ आ रहे हैं तो चाहे रिन्यूएबल एनर्जी की बात हम हो, आपको बात कर ले, जो रेलवे की बात हो, रेलवे के क्षेत्र में भी आज कई योजनाएं जो और इस खबर पर हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता राजधानी भोपाल से अनुराग मालवीय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, बात की जाए तो आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, साथ ही बात करें तो यहां पर मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद होंगे। क्या कुछ चीजें, क्या कुछ बातों पर मंथन होता हुआ नजर आएगा आज की बैठक के दौरान? खजुराहो से अभी तुरंत ही वो रवाना हुए हैं और यहाँ से रवाना होने के ठीक बाद अब वो भोपाल पहुंचने वाले हैं। पहला जो कार्यक्रम उनका है ठीक मेरे पीछे, आप देख सकते हैं ये अमृत काल में राष्ट्रोदय, प्रबुद्ध जनों की भूमिका एवं विचार। तो ये प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन है जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, तमाम जो है प्रोफेसर, इनको आमंत्रित किया है। इनके साथ अमित शाह का गृह मंत्री का संवाद होने वाला है, लेकिन इसके बाद उनका एक नया अपडेट है, नया कार्यक्रम है जो महत्वपूर्ण है और वो है भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ वो बैठने वाले। हमने देखा कल छत्तीसगढ़ को लेकर बैठक हुई थी, मध्यप्रदेश के लोग वहां से नहीं पहुंचे थे, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जो सभी लोग हैं आज वो अमित शाह के साथ लगातार मौजूद हैं और आज बाकी सदस्य भी जो हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अमित शाह के दिशा निर्देश आज मिलेंगे कोर ग्रुप के सदस्यों को, किस तरह आगे बढ़ना है, किस तरह से ये पूरी की पूरी जो है स्ट्रेटजी, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का जो रणनीतिकार माना जाता है वो अमित शाह को माना जाता है, क्योंकि अमित शाह आखिरी में सक्रिय हुए थे उसके पहले माहौल मध्य प्रदेश में भाजपा के अनुकूल नहीं माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे अमित शाह सक्रिय हुए वैसे वैसे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली और परिणाम जो थे वो भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा से भी बेहतर आए। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अमित शाह का रोल होता है। और मध्य प्रदेश की बात करें या एमपी बीजेपी की बात करें तो वो अमित शाह की स्ट्रेटजी पे ही कहीं ना कहीं बेस्ड होती है, अमित शाह पे ही निर्भर होती है और यही कारण है कि आज फिर अमित शाह जब आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के पहले तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़े दिशा निर्देश अमित शाह की तरफ से आने वाले हैं और खासतौर पर कोर ग्रुप के सदस्यों को उन लोकसभा क्षेत्रों पे जहां थोड़ी सी चिंता है, छिंदवाड़ा को लेकर चर्चा होगी, झाबुआ को लेकर चर्चा होगी, बालाघाट को लेकर चर्चा होगी और अन्य क्षेत्रों को लेकर होगी, क्योंकि दो क्लस्टर्स की बैठक आज अमित शाह ले चुके हैं, पर प्रदेश स्तर पर किस तरह से आगे बढ़ना है ये आज कोर ग्रुप के सदस्यों को निर्देश मिलने वाले हैं अमित शाह की तरफ से। जी चलिए अनुराग, देखना होगा बैठक के बाद क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ मंथन होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।